प्रातः वंदन। आज हम आरोह भाग दो कक्षा 12वीं हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आज सब जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं गद्य खंड। ये जैनेन्द्र कुमार जी के इनके विषय इनके परिचय के विषय पढ़ेंगे और इनके अंतर्गत जो है बाजार दर्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बाजार दर्शन। तो इस प्रकार से आज हम जैनेन्द्र कुमार जी के जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित बाजार दर्शन को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि इनके द्वारा रचित है बाजार दर्शन, जैनेन्द्र कुमार जी लेखक परिचय पढ़ते हैं। जन्म 1905, मृत्यु 1990। जीवन परिचय, इनका जो जन्म 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 1990 में हुई। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में हुई। मैट्रिक पंजाब से उत्तीर्ण की और जैनेन्द्र जी की उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय से हुई। किस विश्वविद्यालय से? काशी विश्वविद्यालय से। व्यक्तित्व, इनकी रचनाओं में कला, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज, राष्ट्र, मानवता की झलक है। रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाओं में वातायन, एक रास्ते, दो चिड़िया, फांसी, नीलम, देश की, राजकन्या, पाजी कहानी संग्रह है। परत, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध उपन्यास है और विचार प्रधान निबंध संग्रह प्रस्तुत प्रश्न जड़ की बात क्रोध सोच विचार समय और हम। भाषागत विशेषताएं, जैनेन्द्र जी की भाषा के दो रूप दिखाई देते हैं। भाषा सरल सुबोध रूप तथा संस्कृत निष्ठ भाषा रूप। भाषा में मुहावरों और कहावतों का सजीव प्रयोग किया गया है। इनकी रचना में व्यंग, नाटकीयता और रोचकता की प्रधानता है। कथा साहित्य में व्याख्यात्मक और विचारात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। उपन्यास मनोवैज्ञानिक एवं कहानियां चिंता पर। साहित्य में स्थान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो ये था लेखक परिचय जैनेन्द्र कुमार जी का, जो कि हमने पढ़ा और परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो बुक में भी आपके चित्र दिया हुआ है, बाजार दर्शन। जब हम बाजार जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के वहां पर दुकानें होती हैं, सामग्रियां बिकती होती हैं, है ना, बाजार दर्शन। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आप थोड़ा सा पाठ का सारांश समझते हैं। पहले मित्र पर परचेजिंग पावर का असर प्रभाव। लेखक का मित्र किसी साधारण वस्तु को खरीदने जाता है, किंतु जब वो लौट कर आता है तो ढेरों सामान के बंडल के साथ लेखक द्वारा पूछे जाने पर कि ये सब क्या है, वे पत्नी को इस पूरी खरीदारी का श्रेय देते हैं। फिजूल खर्ची के बाद पत्नी की ओर ली जाती है, किंतु मूल में एक और तत्व की महिला विशेष होती है, वह है मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, अपने आसपास माल टाल, मकान कोठी, माल असबाब तथा सब परचेसिंग पावर के प्रयोग का भी रस है। लेकिन कुछ लोग संयमी होते हैं, बुद्धि और संयम पूर्वक पैसा जोड़ते जाते हैं। मित्र ने बताया कि खरीदारी के कारण उनका मनी बैग क्या हो गया है? खाली हो गया है। बाजार के आकर्षण से दूर दूसरा मित्र, यहाँ पर दूसरा शुरू हुआ। दूसरे मित्र के अनुसार बाजार शैतान का जाल है, सजा कर माल रखते हैं, बाजार आमंत्रित करता है, मुझे लूटो और लूटो, सब भूल कर मेरे रूप को देखो। बाजार का आमंत्रण मूक होता है। सुबह से गए बाजार से शाम को लौटे मित्र ने खाली हाथे
अब इस प्रकार उन्हें कहा क्या लें और क्या नहीं लें, उनको समझ में नहीं आ रहा था। मित्र को ठीक से पता नहीं कि वो क्या लेना चाहते हैं, ऐसे में सब ओर की चाह उन्हें क्या है घेर लेगी, परिणाम त्रासी होगा, गति ना होगी ना ही कर। फिर है बाजार का जादू खाली और बंद मन का भेद। बाजार में जादू, रूप का जादू, चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही इसके जादू की भी मर्यादा है। जब मन खाली हो और जेब भरी हो तब इसका जादू खूब चलता है। यह भी ले, जैसे बाजार जाते हैं ना तो बहुत सारी चीजों को देख करके हमारा मन भी क्या होता है कि ये भी ले लें वे भी ले लें, ऐसा लगता है सब कुछ कितना सुंदर है और आकर्षण है सब चीजों में, तो मैं क्या क्या ले लूं और क्या छोड़ू, यह भी लूं वह भी लूं, यह जादू का असर है। अतः बाजार जाए तो मन खाली ना हो, मन खाली हो तो बाजार ना जाए। मन बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। मन खाली ना रहे इसका मतलब यह नहीं कि मन बंद हो जाना चाहिए। जो मन बंद हो जाएगा वह कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यह सनातन भाव है, यह अधिकार सिर्फ परमात्मा को है, अर्थात मन मानेपन की छूट। मन मानेपन है अपने मन से जो भी चाहे मन से करना की छूट जो है मन को ना हो, इस प्रकार। चलिए आगे पढ़ते हैं। भगत जी और बाजार। भगत जी चूरन बेचने वाले हैं, किसी भी दिन चूरन से उन्हें 6 आने से ज्यादा पैसे नहीं कमाए। 6 आने की कमाई पूरी नहीं कि वे बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में बांट सके, ऐसा भी नहीं कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे, ना ही कभी चूरन बनाने में लापरवाही हुई, ना कभी किसी को रोग हुआ। बाजार का जादू भगत जी पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। उनके अधिक मन के आगे पैसा भीख मांगता कि मुझे लो, पर भगत जी को तो पैसे पर दया नहीं आई, वे उसे रोता बिलखता छोड़ गए। फिर पैसे की व्यंग शक्ति। पैसे की व्यंग शक्ति दुखदायी होती है। पैदल चलते हुए पास से कोई धूल उड़ती हुई मोटर निकल जाए तो पैसे की व्यंग शक्ति यह सोचने को मजबूर कर देती है कि हाय किसी अमीर माँ बाप के घर क्यों पैदा नहीं हुए। यह व्यंग शक्ति ऐसी होती है कि वह अपने के प्रति ही कृतज्ञ कर सकती है, किंतु यह व्यंग शक्ति चूरन वाले के सामने स्वयं चूर चूर हो जाती है। बाजार के प्रति भगत जी का दृष्टिकोण। लेखक के अनुसार भगत जी बाजार के चौक में दिख जाए तो वे जय जयराम का अभिवादन स्वीकार करते हैं, हंसकर सबको पहचानते हैं। बाजार भांति भांति के माल से भरा पड़ा था, लेखक देखते किंतु तुष्ट मन से खुली आंख में बाजार में चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर आदि पड़ते किंतु वह रुकते नहीं, और वही पंसारी की दुकान जहाँ से उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए चांदनी चौक का आमंत्रण व्यर्थ व्यर्थ रह जाता है, और भगत जी से बेचारी चांदनी चौक कल्याण चाहती रह जाती है। बाजार की सार्थकता। बाजार की सार्थकता उसी मनुष्य से है जो उसे जानता है, जो जानता है कि उसे क्या चाहिए। जो परचेजी बाबर की शक्ति, शैतानी शक्ति या व्यंग की शक्ति रखने से है, वे ना तो बाजार का लाभ उठा पाते हैं, नहीं बाजार को सच्चा लाभ दे पाते हैं। वे लोग बाजार का बाजारपन बढ़ाते हैं, इससे सद्भाव घटता है और कपट बढ़ता है। आवश्यकताओं का आदान प्रदान ना होकर शोषण बढ़ता है। कपट सफल होता है पर निष्कपट शिकार होता है, ऐसा बाजार मायावी शास्त्र है, ऐसा अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र कहलाता है, ऐसा अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र कहलाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए कुछ इसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो इन शब्दार्थों को पढ़ना, जैसे मामूली, सामान्य, साधारण, आशय मतलब, प्रयोजन, महिमा, महत्ता, प्रमाण जैसे सिद्ध है ना। फिर है माया, आकर्षण, मोह, ओट यानी सहारा बचाव, मनी बैग पैसे की गर्मी, पावर शक्ति, माल ढाल है ना, ढाल माने सामान, माल ढाल यानी सामान, परचेजिंग पावर क्रय शक्ति, फिजूल यानी व्यय, दरकार रिक्शा परवाह, जरूरत आवश्यकता, कर्तव्य कला, बेहया यानी बेशरम, हरज नुकसान हानि, आग्रह यानी खुशामद।
इस प्रकार से मोह मौन चाह इच्छा अभिलाषा काफी पर्याप्त परिमित सीमित अतिरिक्त अपार कामना इच्छा विकल व्याकुल तृष्णा लालसा ईर्ष्या जलन है ना बेकार व्यर्थ त्रास दुख अनेक अनेक बहुत अधिक बहुता अधिकता से तपन खुराक है ना लक्ष्य उद्देश्य प्रतार्थ अनुवृत्त शून्य रिक्त खारिज या सनातन शाश्वत निरोध रोकना रामार कोशिश प्रयत्न अकार है ना व्यर्थ। इस प्रकार से ये शब्दार्थ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यदि यहाँ पर दिए हैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर और ये गद्यांश ये जो दिए हैं ये आपके इसमें बुक में भी दिया था ये गद्यांश के रूप में भी और इसके जो प्रश्न उत्तर है वो भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप दोनों ही तरीके से इसको समझे। जैसे एक पहला दिया है एक बार की बात करता हूँ मित्र बाजार गए थे तो एक मामूली चीज पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास में थे। मैंने कहा यह क्या बोले वह जो साथ थी उनका आशय था पत्नी की महिमा उस महिमा का मैं कायल हूँ आदिकाल से इस विषय में पति पत्नी से प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं स्त्रीत्व का प्रश्न स्त्री माया न छोड़े तो मैं क्या जोड़ू फिर भी सच सच है और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सा विशेष है वह तत्व है मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी पैसा पावर है या ऊपर उसके सबूत में आस पास माल टाल जमा हो तो क्या वह खाक पावर है पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब किताब देखिए परमाल अस्वाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का क्या है पावर का रस है। लेकिन नहीं लोग संयमी भी होते हैं वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं और पैसा बहाते नहीं है बुद्धिमान होते हैं बुद्धि संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते ही जाते हैं वह पैसे की वो पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उनके प्रयोग की परीक्षा में दरकरार नहीं बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनके मन गर्व से भरा फूला रहता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर प्रश्न है और जो यहाँ पर दिया है उत्तर तो ये आपको परीक्षा में पूछे आते हैं और गद्यांश में भी आते हैं तो भी आपको इस प्रकार के प्रश्न के जो उत्तर है वह बहुत अच्छे से आप तैयार करिएगा। लेखक ने किस बात को पत्नी की महिमा कहा तो मामूली सामान खरीदे जाने वाले में जब बाजार से लौटते हैं तो बहुत कुछ उनके बंडल साथ होता है इसके अतिरिक्त खरीदारी का श्रेय पत्नी को देते हुए कहते हैं कि पत्नी की महिमा। दूसरा फिजूल खर्चे का मूल तत्व क्या तो फिजूल खर्चे का मूल तत्व मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी है। पैसे की पावर कैसे प्रमाणित होती व्यक्ति के पास माल स्वभाव मकान कोठी बैंक हिसाब हो तो पैसे का पावर को प्रमाणित करता है। संयमी लोग पर पैसे की पावर का क्या प्रभाव होता है तो संयमी लोगों पर पैसे की पावर का अप्रभावित होती है कोई प्रभाव नहीं। संयमी लोग कैसे होते हैं बुद्धिमान और ये पैसा बहाते नहीं है पैसा जोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए दूसरा दिया है ये भी एक प्रकार गद्यांश जो आपकी बुक में दिया हुआ है और इसमें इसके जो क्वेश्चन आंसर वो भी तैयार करने मित्र बोले कुछ ना पूछो बाजार है कि शैतान जाने ऐसा सजा सजा कर मार रखते हैं कि बेहाई हो जाए बेहया ही हो जो ना फंसे। मैंने मन में कहा ठीक है बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो लूटो सब भूल जाओ मुझे देखो मेरा रूप किसके लिए है मैं तुम्हारे लिए हूँ नहीं कुछ नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या यदि कुछ नहीं भी चाहते तो भी देखने में अजी आओ भी इस आमंत्रण में है खूबी है कि आग्रह नहीं है आग्रह तिरस्कार जगाता है लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख होता है और उससे चाह जगती है चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है और चाहिए यहाँ या मेरे यहाँ कितना परिमित है या कितना अतुलित है ओ कोई अपने को ना जाने तो बाजार का एक चौक उसे कामना से विकल्प बना छोड़े। विकल्प क्यों पागल असंतोष तृष्णा ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए वह बेकार बना डाल सकता है। एक और मित्र की बात है दोपहर के पहले कह रहे बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। चलिए इसके प्रश्न उत्तर को पढ़कर समझते हैं। आप देखिए यहाँ प्रश्न दिए हैं ये प्रश्न है और यहाँ पर इसके उत्तर दिए पहला बाजार के संबंध में मित्र की क्या राय है पहला प्रश्न है तो बाजार के संबंध में मित्र की राय है कि बाजार शैतान का क्या है जाल है सामान से उससे सजा समरा बाजार लोगों को अपने जाल में फंसाता है। मित्र की राय पर लेखक ने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की मित्र की राय पर लेखक ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार आमंत्रित करता है।
इस प्रकार मित्र की राय पर लेखक ने जो प्रतिक्रिया पढ़ा रही थी, मित्र की राय पर लेखक ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार आमंत्रित करता है और क्या कहता है कि आओ मुझे लूटो लूटो सब भूल जाओ और मुझे देखो। तीसरा है बाजार का कैसा निमंत्रण लोगों को आकर्षित करता है और किस प्रकार, तो बाजार का मुंह का आमंत्रण लोगों को आकर्षित करता है क्योंकि सिवाय चाय जगती है, चाय का मतलब होता है अभाव, उसके पास काफी नहीं है और चाहिए और चाहिए। बाजार का चौक लोगों पर कैसा प्रभाव डालता है, तो बाजार का चौक लोगों को पागल बना डालता है, संतोष तृष्णा ईर्ष्या से घायल कर उन्हें सदा के लिए बेकार बना डालता है। फिर इसके बाद आता है लेखक का दूसरा मित्र बाजार से खाली हाथ क्यों आता है, तो लेखक का दूसरा मित्र बाजार से खाली हाथ इसलिए आता है कि उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या खरीदे क्या छोड़े, क्योंकि बाजार में सभी सामान जो होता है वह खरीदने लायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार में एक जादू है, वह जादू आग की राह पर काम करता है और रूप का जादू पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही इस जादू की मर्यादा है। जेब भरी हो मन खाली हो तो ऐसी हालत में जादू का जो असर खूब होता है, जेब खाली पर मन ना भरा, मतलब जो मन है भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली तो बाजार की अनेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा, कही हुई उस वक्त जेब भरी तब भी वह मन किसकी मानने वाला, मालूम होता है क्या यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता यह है, पर यह सब जादू का असर। जादू की सवाल उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुआयत आराम में मदद नहीं देती बल्कि क्या डालती है, खलल ही डालती है और थोड़ी देर को सलमान को जरूर सेक मिलती है, पर इसे ईमान की गिनती की खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श को मुलायम कारण क्या यह कम जकड़ होगी, पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा साधा उपाय यह है कि बाजार जाओ तो क्या खाली खाली मन ना हो, मन मतलब जो होना चाहिए जो है कि जाओ तो खाली मन ना, मन खाली हो तो तब बाजार ना जाओ। कहते हैं कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए और पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है, मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाए, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम क्या करोगे, कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे, बाजार के असली कृतार्थकता आवश्यकता के समय काम आना। चलिए प्रश्न कर देखते हैं। बाजार के जादू की तुलना किससे की गई, क्यों बाजार का जादू और कब कब खूब चलता है, बाजार के जादू का असर उतरने पर क्या होता है। देखिए पहला है बाजार के जादू की तुलना चुंबक और लोहे से की गई है, लोहा चुंबक की चुंबकीय शक्ति से आकर्षित होकर उस पर चिपक जाता है, उसी प्रकार जादू से लोग स्वतः ही उस ओर खींचे चले आते हैं। फिर बाजार का जादू जब जेब भरी हो तो मन खाली हो तब चलता है, किंतु जब जेब क्या हो खाली हो और मन भरा ना हो तब भी बाजार का जादू चलता है। बाजार के जादू का असर करने पर पता चलता है कि कैसी चीजें बहुआयत आराम नहीं देती, आराम में क्या डालती, खलल डालती है। फिर इसके बाद आता है जादू की जकड़ से बचने का क्या उपाय, तो जादू की जकड़ से बचने का एकमात्र उपाय है कि मन खाली हो तो बाजार ना जाए। फिर है बाजार की असली कृतार्थकता कैसे होती है, आवश्यकता की चीजें खरीदने के समय काम आने से बाजार की कृतार्थकता होती है। फिर आता है लू का लूपन व्यर्थ कैसे जाता है, लू का लूपन तब व्यर्थ हो सकता है जब अपनी गर्मी में लू के समय घर से बाहर निकले तो क्या करें, पानी पीकर निकले, इससे लू का असर क्या होगा, सीधे आंतरिक अंगों पर नहीं पड़ेगा, पानी का ठंडकता पानी की जो ठंडकता है लू के प्रभाव को क्या कर देगी, निष्क्रिय कर देगी। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको यहाँ गद्य खंड जैनेन्द्र कुमार जी के जीवन परिचय बाजार दर्शन को पढ़ाया और समझाया, आप इसके आगे के जो प्रश्नोत्तर हैं उनको भी पढ़ेंगे और समझेंगे, लेकिन जब तक आप इस प्रश्नोत्तरों को और इस गद्यांश जो भी मैंने पढ़ाए हैं, जो सार पढ़ाया है पाठ का, आज मैंने बाजार दर्शन पढ़ाया कि आवश्यकता है तभी आप चीज़ों को लें, तो इस प्रकार और बाजार किस प्रकार आकर्षित करता है, तो ये सब समझाया, आप उसको किताब में जो अपनी उसको अच्छे तरीके से देखेंगे समझेंगे और इसको क्या करेंगे, कॉपी में लिख करके बच्चों याद करना है। धन्यवाद।